नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आज पारसनाथ राय का कहीं न कहीं नामांकन होना है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में कहीं न कहीं एक जोश देखा गया। सभी पार्टी के कार्यकर्ता जब पर्चा दाखिला होता है तो उस दौरान पहुंचते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय का पर्चा दाखिला, आज वो नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताएं हैं और कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी क्या है माहौल 2024 को लेके। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है गाजीपुर का चुनाव बहुत ही कांटे का है, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी क्या है माहौल और क्या मोदी सरकार की जमीनी स्तर पर योजनाएं पहुंची हैं। क्या नाम है? ब्रह्मदेव बनवासी। क्या माहौल रहेगा आपकी गाजीपुर का? माहौल तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीतत के बाद मोदी सरकार जीता था ना एक बार फिर। अच्छा, तो बड़ा महंगा हुआ, एक बढ़ गया सिलेंडर जो 400 का है, 1000 रुपए का पहुंच गया। अब भाई बढ़ गया तो क्या हम कहें, अब उन्हीं का ना मन कहे बढ़ाना घटाना। अच्छा, तो क्या छोटू पढ़ते उड़ते हो? नहीं नहीं पढ़ते हो? तो कैसे काम चलेगा, देश का भविष्य कैसे अंधकार में चला जाएगा? तुम पढ़ो लिखोगे नहीं तो यार। हमारा गाँव यहाँ नहीं है। कहाँ कह रहे? हमारा गांव जौनपुर है। अच्छा, जौनपुर के आप रहने वाले हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, क्या माहौल है भैया गाजीपुर का? बहुत बढ़िया है। एक बार या एनडीए सरकार? नहीं, मोदी सरकार। मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी? कब से आए? कब से आया है? क्या माहौल रही, ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक, काम कर रहे हैं ना? हाँ हाँ कर रहा है। खुश है कि नहीं? खुश है। चलिए भैया, क्या चाचा क्या माहौल है? ठीक है, गाजीपुर का ठीक ठाक है। ठीक है, एक बार फिर मोदी सरकार या एनडीए? मोदी सरकार आएंगे। पारसनाथ जी के नॉमिनेशन नॉमिनेशन तो कुछ महिलाएं भी, क्या माहौल है? बढ़िया है। अरे मोदी जी से खुश है कि नाराज है आप? नहीं, खुश है। गैस और चूल्हा वाला मिला? हाँ हाँ, कुल चीज मिल रहा है। हाँ मिला, लेकिन हमने का खुश बानी गया फिर मोदी सरकार। हाँ जितना चाहते। अच्छा, सिलेंडर उलेंडर? पारस जी लड़ रहे हैं चुनाव ना? हाँ। पारस जी का पर्चा दाखिला आ जाए? हाँ। तो आप कौन मोहल्ला में रहती है? चौहान में। चौहान मोहल्ला। आप लोग कौन बिरादर है? बनवासी। बनवासी समाज की बड़ा आवास सुवास मिलल, क्या माहौल मिलल है? मिलल गैस चूल्हा वाला कुल मिलल है। महंगा हो गए लोग कथों, बड़ा बढ़ गए कुछ। हां 1000। हां 1000 भरा। 1000 गैस? गैस भरा में 1000 लगता। अच्छा, तब वो कट के पैसा नहीं खिया खाता खतिहारा में। अच्छा, पहले आवत रहे? ना आवत है, इतना दिन से भरावत ही कबो ना आयल। अच्छा, आवास मिलल है ना? आवास मिलल बा, शौचालय उचालय कुल मिलल बा, कुल मिलल बा। फिर एक बार मतलब मोदी सरकार की जिताए का मन है? हाँ हाँ। क्या चाची क्या हालचाल है? देखिए भैया ये लोग बनवासी हैं। छोटू क्या नाम है तुम्हारा? हमारा? हाँ हमारे खेसारी लाल नाम है। क्या माहौल बाप की, वोट दियाई क्या है? नहीं दियाई वोट। अरे होटल लिस्ट में नाम बा कुछ? हाँ हाँ। चाय पानी कुछ भैया खर्चा पानी मिलल की ना? नहीं, अभी खर्चा पानी आवाज होने लोग। देखिए तमाम महिलाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। कुछ क्या माहौल है? कुछ आवास नहीं मिला है, नहीं गैस, नहीं गैस भी नहीं मिला है। नहीं प्रधान जी कुछ नहीं दिलवा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं दिलवा रहे हैं। इंडिया को जिताएंगे या एनडीए को? इंडिया को। इंडिया को जिताएंगे? हाँ। इंडिया का गठबंधन है एनडीए, मतलब मोदी सरकार। हम मोदी सरकार को जिताएंगे। हम घाट वो नहीं मिला, दूबे का तो हमारी लड़की लड़का है। अच्छा, कॉलोनी नहीं अभी आई? आवास अभी नहीं मिला? अभी अभी नहीं मिला हमें। रुक के गैस भी नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला, कुछ नहीं। फिर मोदी जी की रैली में आए, क्या माहौल है? आपकी जिताए उतारे गए कि बस गमछा हम पे बांध के चले आए? नहीं नहीं दिताएगा ना, जरूर दिताएगा। हमारे को प्लास्टिक डाल के मेरा होता है दूबे का। आज भी प्लास्टिक डाल के रहते हैं क्या? अभी तक नहीं ना, तो मेरे साल भर हो गया। अच्छा, अभी कॉलोनी नहीं है यहाँ मेरे। चलिए भैया, देखिए आज पारसनाथ राय गाजीपुर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आज उनका नॉमिनेशन है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों से हम जानने की कोशिश किया कि आपकी क्या है माहौल।